हे गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल रिच स्टाइल एंड टिप्स। तो गाइस, बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली हम गर्ल्स की, कि जो हमारी उम्र बढ़ती जा रही है उसको हम कैसे हाइड करें या फिर हम कैसे क्या करें कि उसका असर हमारे फेस पे ना आए। तो इसके बस बहुत ही इजी से बेसिक से कुछ उपाय हैं जो कि आपको करने हैं, वो मैं करती हूँ, आप भी करो, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो क्या है उपाय, चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसमें सबसे पहला आता है जो कि हम लोग अवॉइड करते हैं, पानी पीना। आप पानी ज्यादा से ज्यादा पियो। अगर आप ज्यादा पानी पीते हो ना, तो उसका असर आपके फेस पे होता है। आपके फेस पे कैसे होता है उसका असर, कि आपका फेस ग्लोइंग हो जाता है और जो रिंकल्स होते हैं बहुत हद तक हाइड करने में हेल्प करता है पानी। तो गाइस, आप पानी का जितना ज्यादा यूज करोगे उसका उतना ज्यादा इफेक्ट आपको नजर आएगा। और बहुत सी चीजें होती हैं पानी की जो कि अगर आप पानी पीते हो तो वो आपके साथ होती हैं। जैसे आप पानी पीते हो तो आपका हाजमा सही रहता है, ज्यादा पानी पीते हो आपकी स्किन भी अच्छी रहती है और आपके बालों पे इसका सीधा इफेक्ट दिखता है। अगर आप पानी का ज्यादा यूज करोगे तो आपके बाल भी बहुत अच्छे रहेंगे। तो गाइस, नेक्स्ट टाइम से आप पानी का यूज करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। ज्यादा से ज्यादा मतलब है कि कम से कम 4-5 लीटर आपको पीना ही पीना है। और अगर आप 4-5 लीटर नहीं पी पाते हो तो 3 लीटर तो जरूर पिए। 3 लीटर हर हाल में पिए, आपको नहीं अच्छा लगता है पानी पीना तो उसके लिए आप कर सकते हो, आप बोतल रख लो। बोतल में एक एक बॉटल आपको धीरे धीरे खत्म करनी है और दिन में बस आप 3 बॉटल खत्म करें। जो पानी की हम नॉर्मली अपनी फ्रिज में रखते हैं वो वाली आप बॉटल यूज कर सकते हो। तो गाइज, हम अपनी एज को बढ़ने से, अपने फेस पे आने से रोक सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना होगा कि हमको जो बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे हम बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं, तो टेंशन लेते हैं तो उसका सीधा इफेक्ट आता है हमारी नींद पे। अगर आपको किसी चीज की टेंशन है, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो उसका सीधा इफेक्ट आपकी नींद पे आ जाना है, फिर आपकी नींद नहीं आएगी। आपको नींद, अगर आप नींद नहीं लेते हो, नींद आने के और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे देर रात आप मोबाइल का यूज करते हो, लैपटॉप का यूज करते हो, या फिर आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हो जिसकी वजह से आपको रात जगना पड़े, तो फिर आपको दिक्कत होती है, आपको नींद नहीं आती। और जब आपको नींद नहीं आएगी, जब आप पर्याप्त मात्रा में 8 घंटे कम से कम आप नहीं सोते हो, तो गाइज उसका सीधा इफेक्ट आपके फेस पे आएगा। आपका फेस बिल्कुल बता देगा कि आपने अच्छे से नींद नहीं लिया है। तो गाइज, अच्छे से नींद लें, पर्याप्त नींद लें, कम से कम 7 से 8 घंटे आप डेली जरूर नींद लें। और हाँ, 10 मिनट की सही लेकिन ब्यूटी स्लीप लेना बिल्कुल भी ना भूलें, बहुत अच्छे से बहुत इफेक्टिव होता है आपके फेस के लिए। और गाइज, क्या आपको पता है कि अगर आपकी एज बढ़ रही है या फिर नहीं भी बढ़ रही, तो आपको चीनी का यूज बिल्कुल रोक देना चाहिए या फिर बहुत ज्यादा कम कर देना चाहिए। क्योंकि अब आप बोलोगे चीनी तो हमने, ऐसा तो नहीं हो सकता चीनी ना यूज करें, क्योंकि हमारे डेली के लाइफ स्टाइल में चीनी बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। तो गाइस, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप बंद तो नहीं कर सकते हो लेकिन आप बहुत ज्यादा कम कर सकते हो। आप अगर आप चीनी कम करते हो तो उससे क्या होगा कि आपकी जो स्किन होगी बहुत फ्लॉलेस होगी और आपकी एज भी बढ़ने से रोकेगी, मतलब आपकी एज का असर आपकी स्किन पे नहीं आएगा। तो आप चीनी रोक दो, चीनी की जगह आप गुड़ का यूज करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि गुड़ में कैल्शियम होता है जो कि हमारी हड्डियों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो गाइज, आप चीनी का यूज कम से कम करें, इसकी जगह पे आप गुड़ का यूज कर सकते हो या फिर आप हनी का यूज कर सकते हैं। तो अगली बार से इसको जरूर ट्राई करें। गाइस, अगर आप चाहते हो कि आपकी एज का इफेक्ट आपकी फेस पे ना हो, आपकी स्किन पे ना हो, तो उसके लिए आप धूप से ज्यादा बचें। आपको धूप में भी रहना चाहिए क्योंकि धूप से बहुत से पोषक तत्व तो मिलते हैं, विटामिन डी हो गया और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे तत्व तो धूप से हमको मिलते हैं। तो उसके लिए आप क्या करो कि आप जब मॉर्निंग की धूप होती है तो वो एकदम नेचुरल होती है, शुद्ध होती है। आप मॉर्निंग में कम से कम 5 मिनट, आप 5 या 10 मिनट आप पर्याप्त धूप में खड़े हो जाओ। उसके बाद आपको धूप की कोई जरूरत नहीं होती और विटामिन डी की सारी कमी, बस वही 10 मिनट या 5 मिनट आपके लिए पर्याप्त होते हैं। तो
तो गाइस आप धूप से ज्यादा बचें, लेकिन मॉर्निंग की धूप आप जरूर लें, क्योंकि वो हमारी स्किन के लिए, हमारे फेस के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है, और हाँ, हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन फ्लॉलेस रहे, आपको बहुत अच्छी स्किन रहे, आपकी एज ना दिखे आपकी स्किन पे, आप फ्लॉलेस स्किन हो आपकी, तो आपको करना होगा कि अगर आप अल्कोहल का यूज करते हो तो उसको बहुत कम कर देना चाहिए। अगर छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप नहीं करते हो ना तो वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप करते हो तो आप प्लीज बहुत कम कर दें, क्योंकि अल्कोहल का असर सीधा हमारे फेस पे आता है, और अगर आप बहुत ज्यादा जब अल्कोहल का यूज करते हो तो उससे हमारी स्किन बहुत ज्यादा टायर्ड होने लगती है, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, जिससे कि हमारी स्किन, जो हमारी एज होती है उससे और ज्यादा धीरे धीरे हमको एजेड दिखाने लगती है। तो गाइस अल्कोहल का आप यूज कम से कम करें अगर आप एक फ्लॉलेस स्किन चाहते हो तो। तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक था, आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। तो अगर आपने इतना सा भी सीखा है ना कुछ, तो उसके लिए प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ हाँ, बेल आइकन है बगल में, प्लीज उसको भी हिट कर देना, जिससे कि मेरे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, या फिर कोई सजेशन है, कुछ आप कहना चाहते हो, तो उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में आप जाके ना मुझे कमेंट भी कर सकते। और गैस प्लीज इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ भी शेयर कर दो, जिससे कि ये सारे प्रॉफिट उनको भी मिल सके। और फिर से मिलूंगे बहुत ही अच्छे और बहुत ही यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।